देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं प्रणब मुखर्जी। हाँ, तमाम मौकों पर गांधी परिवार के खेवनहार भी, मगर आज जब उन्होंने सियासी दांव पेंच से ऊपर उठ समानता और सौहार्द्रता की तरफ कदम उठाया, तो आखिर कांग्रेसी नेताओं को ही मिर्ची क्यों लगने लगी? जिस तरह के अटैक विरोधियों पर करने की कांग्रेस की परंपरा है, वैसे ही अटैक आखिर उन पर भी क्यों किए जा रहे हैं? दरअसल अब तक संघ के लिए कांग्रेस जो झूठे प्रचार करती आई है, उसकी पोल खुलने का डर कांग्रेस को सता रहा था। और ऐसा हुआ भी उस वक्त जब प्रणब दा सारे मतभेदों को भुलाते हुए आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की जन्मस्थली पर पहुंच गए। उस वक्त जब वहां रखी विजिटर बुक में उन्होंने इतिहास में दर्ज होने वाला ये संदेश लिखा, आज मैं भारत के महान सपूत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आया। डॉक्टर हेडगेवार के प्रति प्रणब दा के इस सम्मान को देखकर जहां देश ने एकता के भाव और आरएसएस की विचारधारा की सीख ली, तो कांग्रेस इस पर भी सियासत में जुट गई। डॉक्टर हेडगेवार के पैतृक घर में प्रवेश से पहले अपने जूते उतार कर प्रणब दा ने इस महान सपूत के प्रति श्रद्धा दिखाई, तो कांग्रेस के कलेजे पर सांप लौट गया।